पास्ता तो हम कई तरीके का खाते हैं, पर आज मैं आपके लिए जो पास्ता लेके आई हूँ वो कोरिया की स्पेशलिटी है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कोरियन स्टाइल चिली गार्लिक पास्ता, जो कि बहुत ही आसान है बनाने में। घर में रखे कुछ ही इंग्रेडिएंट से आप इसे बना पाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अपने इस पास्ता को बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एकता और स्वागत है आपका टेस्ट फ्रॉम किचन में। तो इस पास्ते को हम बनाएंगे पोटैटो और कॉर्नफ्लोर से। तो यहाँ पे मैंने दो बड़े पोटैटो ले लिए हैं जो कि बॉयल्ड हैं, और अब हम इन्हें ग्रेट कर लेंगे। तो इसे अब हाथ से फोल्ड करके यूज़ मत कीजिए। ग्रेट करने से क्या होगा, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होंगी और पास्ता हमारा बहुत ही स्मूथ बनेगा। तो इसे ग्रेट ही करके आप यूज़ कीजिए। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने ग्रेट कर लिया है। तो पोटैटोज़ यहाँ पे ग्रेट हो गए हैं, और अब इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे नमक। तो यहाँ पे मैं लगभग आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। और दो बड़े चम्मच मैं इसमें डाल दे रही हूँ कॉर्नफ्लोर। तो अभी हम दो बड़े चम्मच डालेंगे, बाद में अगर जरूरत लगेगी तो और थोड़ा सा डाल देंगे। और अब हम इसे अच्छे से हाथ से मैश कर लेंगे। इसमें पानी वगैरह नहीं मिलाना है, इसका हमें एक डो जैसा बना लेना है। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा गीला लग रहा था अभी मुझे, तो इसमें आधा चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर और डाल दिया है। और अब इसे गूंथ करके एक अच्छे से आटे जैसा तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसे अच्छे से गूंथ लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ये डो बिल्कुल रेडी हो गया है हमारे पास्ते का। इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा ऑयल इसके ऊपर लगा दूंगी, जिससे ये चिकना हो जाए और इसके ऊपर हवा की परत ना पड़े। ये देखिए इस तरीके से। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना और टेस्टी बहुत होता है। तो चलिए इसके पास्ता बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पूड़ी छानने वाला छनोटा, और इससे हम अपने पास्ता को डिज़ाइन करेंगे। तो इसमें छोटा सा एक हम ले लेंगे आटे का टुकड़ा जो हमने पास्ता के लिए बनाया था, उसे रोल कर लेंगे और छन्नी के ऊपर रख करके ऐसे थंब से प्रेस कर देंगे। ये देखिए, बहुत ही सुंदर सी ये डिज़ाइन बन जाती है इसके पीछे। तो आप किसी भी डिज़ाइन का इसे बना सकते हैं। आप इसे गोल बना सकते हैं, इसे थोड़ा लंबा लंबा सा बना सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ऐसे गोल सा बनाइए और उसके ऊपर बॉटल से हल्का सा दबा दीजिए तो वो मशरूम के शेप का बन जाता है। पर मैं इसे इस डिजाइन का बना रही हूं। तो यहाँ पे ये देखिए, सारे के सारा पास्ता मैंने बना के तैयार कर लिया है। मैंने इसे थोड़ा बड़ा बड़ा बनाया है, आप चाहे तो और छोटे छोटे भी बना सकते हैं। तो चलिए अब इन्हें बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रख दिया था कढ़ाई में पानी। पानी अच्छे से जब बॉयल हो जाएगा तब हम इसमें अपने सारे पास्ता को एक एक करके डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बात का ध्यान रखना है कि पानी अच्छे से बॉयल होना चाहिए। अगर ठंडे पानी में हम डाल देंगे तो ये गलना चालू हो जाएगा, इसलिए पानी को अच्छे से बॉयल कर लें। तो जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा और एक एक पास्ता ये ऊपर आता जाएगा। ज़्यादा टाइम इसे नहीं लगता है पकने में, लेकिन फिर भी हमें 5 मिनट का समय तो देना ही पड़ेगा। तो चलिए इसे अच्छे से बॉयल कर लेते हैं। ये देखिए, एक पास्ता ये ऊपर आ गया है। इसी तरीके से धीरे धीरे करके सारे के सारे ऊपर तैरने लगेंगे। तो चलिए इसे बॉईल कर लेते हैं। तो ये देखिए, सारे पास्ता यहाँ पे ऊपर आ गए हैं। इसमें लगभग 1 मिनट लगा है। 1 मिनट में ये सारे पास्ता ऊपर आ गए हैं, पर ये अभी अच्छे से पके नहीं है। तो थोड़ी देर इसे और पका लेंगे। तो लगभग 5 मिनट हो गया है और पास्ता अच्छे से बॉयल हो गया है। ये अपने साइज़ का डबल हो गया है। तो अब हम इसे बिल्कुल ठंडे पानी में निकाल देंगे। बिल्कुल फ्रिज का ठंडा पानी हमें चाहिए, जिससे पास्ता की कुकिंग रुक जाए और ये आपस में चिपके भी ना। तो चलिए इसे बुझा करके हम निकाल लेते हैं ठंडे पानी में। तो यहाँ पर मैंने इसे बुझा दिया है और एक छन्नी से मैं इसे ऐसे निकाल ले रही हूँ, जिससे जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल जाए। तो पानी में रखे हुए मुझे लगभग इसे 1.5 से 2 मिनट हो गया है। तो अब हम इसे छान करके बाहर निकाल लेंगे। जितना इसे ठंडा होना था वो ठंडा हो चुका है, और अब ये आपस में बिल्कुल भी चिपकेंगे भी नहीं। तो इसे हम एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। देखिए, एक्स्ट्रा पानी इसमें ना जाए, छान करके अच्छे से आप निकालिए इस तरीके से। तो पास्ता हमारा यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें हमें कुछ सीजनिंग ऐड करनी है। तो यहाँ पे इस पास्ता में हम कुछ चीज़ें और मिक्स कर देंगे, जिससे इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल दे रही हूँ यहाँ पे 1 चम्मच कटा हुआ गार्लिक, बिल्कुल महीन काट करके आपको डालना है। और साथ ही आधा चम्मच मैं इसमें डाल दे रही हूँ जिंजर, यानी कि अदरक, ये भी कटा हुआ है। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सोया सॉस। अगर आपके पास डार्क सोया सॉस है तो आप 1 चम्मच डालें, नहीं तो 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया व्हाइट विनेगर। और अब हमें इसमें डालना है थोड़ा सा नमक। बहुत ज़्यादा नमक हम नहीं डालेंगे, क्योंकि पास्ता में भी हमने नमक डाल रखा है पहले ही। और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़े से ग्रीन ऑनियन, यानी कि स्प्रिंग ऑनियंस। और अब इसके ऊपर हमें डालना है बिल्कुल गरम गरम तेल। तो चलिए तेल गरम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक लैडर ले ली है और इसमें डाल देंगे हम 2 बड़े चम्मच तेल। आप रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर लीजिए। और तेल जब बिल्कुल गर्म हो जाएगा तो इसे बुझा करके हम अपने पास्ता के ऊपर डाल देंगे। तो इसके ऊपर तेल डाल देते हैं।
सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाल दिए हैं और अब हमें इसे जेंटली मिक्स कर लेना है। आराम आराम से आप इसे मिक्स कीजिए, क्योंकि ये जो नूडल्स होते हैं ना, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं तो ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। आप इन्हें नूडल्स, पास्ता कुछ भी बोल सकते हैं। शेप में तो ये पास्ता जैसे हैं, पर एक्चुअली कोरिया में इसे नूडल्स ही बोलते हैं। तो कोरिया का ये बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है, जो कि हम आसानी से अपने घर पर भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो टेस्टी सा हमारा कोरियन स्टाइल चिली गार्लिक पास्ता, या फिर आप कह सकते हैं चिली गार्लिक नूडल्स, यहाँ बनके तैयार हो गया है। देखने में ये जितना अच्छा लग रहा है, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है और काफ़ी सॉफ्ट भी है, ये देखिए। तो आप भी इसे अपने घर पे बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद आएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस स्ट्रीट फूड है कोरिया का, जिसे हम थोड़ा बहुत ट्विस्ट टर्न दे करके अपने हिसाब से बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़े से भुने हुए सेसमी सीड्स भी डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली नई वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मैं इस तरीके की बहुत सारी रेसिपीज़ अक्सर अपने चैनल पर डालती रहती हूँ, उन सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ जाके ज़रूर चेक कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे कुछ नई यमी टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।